14 न्यूज। दिन भर राहुल गांधी को लेकर खबरें चल रही थी। राहुल ने मानहानि केस में जमानत की अर्जी दी थी। राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। इसके बाद राहुल ने ट्वीट करके लिखा, इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। राहुल की सांसदी भी इसी केस के चलते गई थी। कुल मिलाकर माजरा ये है कि 13 अप्रैल तक राहुल को जेल जाने से राहत मिल गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल का अगला कदम क्या होगा। राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी ने विपक्ष को सबसे अच्छा तोहफा दिया है। राहुल गांधी को ये जमानत 15,000 रुपए के बॉन्ड पर मिली है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल के खिलाफ शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी के वकील रोहन पानवाला ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है, 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13th डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाई की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 महीने तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 13th को काम कार्यवाही होगी। 13th को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट किसे किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13th को जो कन्विक्शन का स्टे है, जिनकी वजह से उनका सफाजत कैंसिल हुआ है, तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13th को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13th को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी। सर लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है, तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया कोई खत्म? डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए ये कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13th को वो रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा। राहुल गांधी ने जमानत मिलने के बाद ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट में लिखा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस सत्य में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। इस मामले को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मेरा सीधा सा सवाल है कि कांग्रेस न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। न्यायिक मामलों से निपटने के तरीके होते हैं, लेकिन क्या यह तरीका है? उन्होंने सवाल किया कि क्या पहले ऐसा कोई मामला देखने में आया है जब कोई पार्टी अदालत को घेरने में लगी हो। सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा। विषय वो नहीं है, हम लोग जुडिशियरी का जो बात होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है, यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी के समर्थन में जन समर्थन इकट्ठा करने की कोशिश में लगी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा और राजीव गांधी के पोते के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। अब राहुल के राजनीतिक भविष्य पर कोर्ट क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। शुक्रिया।